बाप नहीं रहेगा इसको लक्ष्मी नारायण बनेगा बाप नहीं रहेगा अभी बाप आपको पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है बाप माने शिव ज्योति बिंदु हाँ तो पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है देखने में आएगा है? बाप आते हैं तो प्रजापिता को आप समान बना देते हैं है? प्रजापिता जो है बाप समान माने शिव शंकर जो है वो शिव समान बन जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाप है या नहीं है स्थूल चीज तो है नहीं जो आंखों से देखी जाए कैसे पता चलेगा कि है या नहीं ज्ञान सुनाते ही रहेंगे लास्ट तक ज्ञान ही सुनाते रहेंगे है? ज्ञान सुनाना मुख से ज्ञान सुनाया जाता है उसमें ज्यादा ताकत है या मुख से भी ऊपर आंख वो ज्यादा पावरफुल है दृष्टि काहे से ज्यादा परिवर्तन होगा मुख के ज्ञान सुनाने से ज्यादा परिवर्तन होगा सृष्टि का या जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें उनसे सृष्टि का ज्यादा परिवर्तन होगा दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी ना पता लग जाएगा कि बाप शिव ने आकर के अपने बच्चे गॉड इज वन तो गॉड का बच्चा वन उस वन नंबर बच्चे को आप समान बना दिया आप समान बना दिया तो उसकी दृष्टि में इतना फोर्स आ जाएगा जो बोला है बुद्धि में कि तुम बच्चे सहन नहीं कर सकेंगे जैसे गीता में बोला है क्या बोला अर्जुन को क्या अनुभव हुआ हजारों सूर्यों से तेजोमय का अनुभव हुआ अबे ऐसे तेजोमय तो होते नहीं है लेकिन आत्मा में वो पावर आ जाती है शिव की पावर की बात नहीं है शिव अपनी पावर नहीं दिखाते शिव तो गुप्त है प्रत्यक्ष किसको करते हैं बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं जब लक्ष्मी नारायण सत्युग संगम युग लक्ष्मी नारायण जब आता है उनका बच्चा पैदा है तब सब सारी मोल्ड रह गया सब खत्म हो जाएगा जब बच्चा बैठा बच्चा एक बच्चे के लिए ही सारी दुनिया खत्म हो जाएगी एक कृष्ण कृष्ण बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो एक अकेला ही बच्चा रहेगा सारी सृष्टि में और उनके माँ बाप भी रहेंगे दुनिया नई दुनिया माना कोई संगठन है और संगठन की भी कोई कुछ मियाद है वो मियाद है 9,16,108 साकार में चाहिए साकार में जब ऐसी सृष्टि तैयार हो जाए 9,16,108 की फिर इस दुनिया का विनाश बहुत बड़ी दुनिया है न एकदम स्थापना हो जाएगी न एकदम विनाश हो जाएगा लेकिन अंत में 5-7 दिन में खत्म कर देंगे विनाश कर देंगे पूरा दुनिया को बताया जब जब तादाद पूरी हो गई टारगेट पूरा हो गया फिर क्या करेंगे फिर जो रही बची है वो सब स्वाहा तब तो लक्ष्मी नारायण संगमगंगा सत्य नारायण भी होंगे और जगत माता जगत पिता भी दोनों पास चलते रहेगा पैरेलल जगत पिता और जगत माता जो है वो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको शरीर छोड़ना है क्या
आधे बचेंगे, आधे पुण्यात्मा और आधे पाप आत्मा। तो जब नई सृष्टि तैयार होगी तो उसमें कौन कौन से वंश के होंगे? सूर्यवंशी सब होंगे। सूर्यवंशी वो कहे जाएंगे जो चंद्रवंशी होंगे राधा जैसे, वो सूर्यवंशी तब कहे जाएंगे जब भाव स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाए। उसमें जगदम्बा और जगदम्बा जैसे फॉलोअर्स जो भी है उनकी लिस्ट होगी या नहीं होगी? क्योंकि जो नई दुनिया होगी उसमें दो ही वंश होंगे, एक तो सूर्यवंशी और दूसरे चंद्रवंशी। तो जो सूर्यवंशी होंगे उन सूर्यवंशियों में कुछ चंद्रवंशी ऐड होंगे, जैसे विजयमाला का, विजयमाला भी तो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी? ओरिजिनल ओरिजिन में चंद्रवंशी, राधा ही चंद्रवंशी है, लेकिन वो मिक्स होकर के क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। लेकिन जो ऐसी कैटेगरी के नहीं है, कितना भी पुरुषार्थ किया, साथ रहे, मिलन मेला सबसे जास्ती बनाया, फिर भी मिक्स होकर के एक नहीं हो सके, उसमें किसका मिसाल दिया जाएगा? हैं? मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, जबकि विजयमाला की हेड तो साथ में रहती भी नहीं उतना, और लंबे समय तक एडवांस नॉलेज भी नहीं लेती, फिर भी क्या होगा? अंत में एक सेकंड में पहचानेगी और एक सेकंड में अपने को चेंज कर लेगी। तो कारण क्या हुआ? कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है, जो चेंज ही नहीं कर पाती अपने को? तो ऐसे चंद्रवंशियों को फिर वापस जाना पड़े। आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। जो बचेंगे वो सब सूर्यवंशी बचेंगे या चंद्रवंशी भी बचेंगे? सिर्फ सूर्यवंशी बचेंगे। जो टोटल अपने को सूर्यवंशी नहीं बना सकेंगे वो नहीं बचेंगे। अगर जगदम्बा जैसी आत्मा है वो भी अपने को सूर्यवंशी बना लें तो उनको लक्ष्मी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? होने से बनना चाहिए। जगदम्बा को लक्ष्मी का टाइटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन नहीं मिलता। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, तो नारी से लक्ष्मी तो नहीं बनेगी। होंगे नई दुनिया में सिर्फ दो ही क्वालिटी के, जो भी नई दुनिया बनेगी उसमें सूर्यवंशी होंगे चंद्रवंशी होंगे, लेकिन चंद्रवंशियों में भी वो क्वालिटी रहेगी जो अपने को पूरा मिक्स कर देगी। जो मिक्स पूरा नहीं कर पाएंगे वो नहीं गए। अब चंद्रवंशियों में तो सारे ही समाये हुए हैं, यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी चले गए तो किसकी रहवरी में सब पले? ब्रह्मा की रहवरी में सब पलते रहे। तो सारे ही चंद्रवंशी हो गए। जो भी चंद्रवंशी बचे वो सब अधूरे अभी भी फॉलो कर रहे हैं। किसको? ब्रह्मा को ही फॉलो कर रहे हैं, सूर्य को नहीं पहचान पा रहे। ऐसे एडवांस में भी है।
ब्रह्मा को फॉलो किया माने कमजोरी आई। यज्ञ की आदि से ही ऐसे चलता चला है, एडवांस में भी ऐसे ही है क्या? अभी भी ढेर सारे ऐसे हैं जो अम्मा अम्मा बुद्धि में लगा रहता है। बाबा कहते हैं ना गो सन्यासी क्या करते हैं, गौमुख में हाथ डालते हैं, राम 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 गौमुख से सुनाने के लिए राम राम, अंदर से लगाओ वहां भरा पड़ा गौमुख में, देवान को त्याग ही नहीं पाते। युगलों की महिमा होगा माने जो अपने संस्कारों को एक दूसरे में मिला करके एक कर देंगे उनकी महिमा। तो वो बाहर दुनिया को जाएंगे जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक जाना पड़ेगा, नहीं बनेंगे तब तक, जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक तो जाना ही पड़ेगा ना। सेवा नहीं करेंगे तो संपन्न कैसे बनेंगे? लेकिन संपन्न स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो गया माने एक हो गए तो संपन्न बन गए, संकल्पों में भी टकराव ना हो। लेकिन बाहर दुनिया तो कैसे जाएंगे जब जब संकल्प ही एक हो गए, वाइब्रेशन एक हो गया क्या, भले दूर दूर रहे लक्ष्मी अलग रहे नारायण और वाइब्रेशन दोनों को मिलके एक हो गए तो राधा कृष्ण जैसे बच्चा पैदा करने की तो क्षमता आ गई ना, वाइब्रेशन से बच्चा पैदा करने की क्षमता तो हो गई, तो बाहर की दुनिया से मिलने की क्या दरकार होगी? तो उसके पहले से पता लग जाएगा कौन आपस में किसका सदस्य है, संस्कारों से पता चलेगा? लेकिन वो तो दूर रहेंगे ना, दूर दूर रहेंगे कैसे पता लगेगा? दूर तो देवान की बात, जिनको देवान होता है उनको दूर दूर महसूस होता है, जिनको देवान नहीं होता उनको तो अव्यक्त स्टेज है। जो अव्यक्त स्टेज वाला होगा उसके लिए भगवान दूर होगा कि नजदीक होगा? नजदीक होगा। साथ में विजय माला में रुद्रमाला की मणके पिरो नहीं जाएंगे? अरे रुद्रमाला की मणके विजय माला में पिरो जाएंगे या नहीं पिरोए जाएंगे? लेकिन संपन्न स्टेज होने संपन्न स्टेज बनेगी तभी तो युगल दाना दाना बनेगा, तब भी पिरोए जाएंगे ना। जब युगल दाना तब ही कहा जाएगा, युगल दाना ही तब कहा जाएगा जब रुद्रमाला के मणके में कोई भी विकार न रहे। रुद्रमाला के मणके तो बड़े विकारी है, सारे ही विदेशी है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन ये सारे क्या है, इस्लामी कामी क्रोधी क्रिश्चियन लोभी मुस्लिम, तो विदेशियों की माला है या स्वदेशियों की माला है? बाप खुद क्या बन के आया हुआ है? बाप खुद ही विदेशी बन के आया हुआ है, बन के आया हुआ है, काहे के लिए बन के आया हुआ है? विदेशी बच्चों को सुधारने के लिए, आप समान बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, जिसमें जिसको सुधारना होता है वो वैसा ही बनना पड़ता है। और एक पॉइंट है, एक क्या है और जो लिंक बनता है अभी सूर्यवंशी में, अभी तो 108 में 12 सूर्यवंशी का है, तो अष्टदेव एक मिलके 9 प्लस नक्षदेव मिलके 12 आता है, उनको ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग भी कहता है एक तरफ से। दूसरा तरफ से आपको नवरत्न, नौ गोत्र और सप्त ऋषि ये सब कहते हैं, ये सब सप्त ऋषि अलग है, अलग है क्या? सप्त ऋषि अलग है, अष्टदेव अलग है और रतन अलग है। रतन एक दूसरे से बहुत कम वैल्यू वाले होते हैं, अष्टदेव सारे ही सूर्यवंशी हैं माने सारे ही हीरा हैं। क्या जो सर के ऊपर माला रखी हुई है वो मूंगा पन्ना मोती इनकी नहीं है, उपराज की माला नहीं है, वो सब क्या है? हीरे हीरे हीरो पाठ धारी है।
उनकी अपनी अपनी जो दुनिया है उस दुनिया के हीरो हैं, सबके पूर्वज हैं। उनका पाठ गांव क्या होगा है? उनका पाठ सत्युग तेरना में कैसा होगा? नारायण को तो हमें मालूम है, नारायण को बोलता है एक नारायण दो। इन्होंने यहाँ ले लिया, पहले ही जन्म में ले लिया। पहला जन्म कौन सा है, सत्युग के 9 जन्म कहेंगे या 8 जन्म कहेंगे? 8 जन्म संगम युग में, संगम युग पहले जन्म, 9 जन्म नहीं कहेंगे। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनके 9 जन्म कहेंगे या 8 जन्म कहेंगे? 9 जन्म कहेंगे। तो 1 जन्म का सबसे ऊंचे से ऊंचे जन्म का सुख भोग लिया, अभी फिर सत्युग में नंबर लगाएंगे, दूसरों को नंबर नहीं लेने देंगे, ये तो अन्याय हो गया है, पीढ़ी को नहीं लेने देंगे। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो आए वो भी ऊंचे बने। उतने तो ऊंचे नहीं बन सकते हैं लेकिन फिर भी उनको प्राप्ति हो ना, तो हर जन्म में खुद ही रहते रहेंगे। तो जैसे जैसे अगले जन्म आते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर वाले नीचे गिरते जाएंगे, गिरते 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 सत्युग के अंत में जाकर के राम सीता जैसी आत्माएं प्रजावर्ग में चली जाएंगी। राम राजा पहले जन्म में, सत्युग के अंतिम जन्म में राम, राम प्रजा, ऐसे ही सबका हिसाब। मुरली में ये भी बोला है कि राम बाप सब धर्मों में जाके उनको ये करता है, राजी को रिपालन करता है। जो देह अभिमानी धर्म है उन देह अभिमानी धर्मों में राजा ही किसने दी? ऊपर वाले ने दी जो सदैव आत्मा अभिमानी है, या नीचे वाले ने दी जो सदा भोगी है? भोगी वाला नहीं दिया वाला। अच्छा, ऊपर वाला 21 जन्म का देता है कि 63 जन्म का भी देता है? 21 जन्म का देता है, 63 जन्म का तो नहीं देता है। तो 63 जन्म के लिए राजा ही कौन देता है? जो देह अभिमानी होगा बाप है वो फिर उनको देता है। इसलिए हिसाब बना हुआ है कि जो उनमें तो इतनी ताकत है नहीं कि राजा ही की स्थापना कर सके, उनके धर्म पिताएं जो हैं वो राजा ही स्थापन ही नहीं करते, जब आते हैं धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, ताकत तो होती ही नहीं। तो यहाँ प्रजापिता में वो ताकत है, बाप से बाप समान बनने की ताकत लेता है, और द्वापर युग से लेकर के जो जो भी राजाइयाँ स्थापन हुई हैं उन सब राजाइयों का फाउंडेशन लगाता है। कन्या माताएं जो है जब ज्ञान मिलता है तो उनकी लागत विकारों से हट जाती है या लगी रहती है? हैं? हट जाती है? तो सोई हुई है कि जगी हुई है? और पुरुषों का क्या हाल बोलो ना जल्दी जल्दी। हैं? देखो इसमें आपका चेहरा ही बोल देगा। आप मुख से नहीं बोलेंगे तो भी आ जाएगा। पुरुष सब सोए हुए हैं, इसका अंतर सब दुर्योधन दुशासन। आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। पुरुष है तो आत्मा नहीं, उनमें आत्मा नहीं है, और कन्या माता है उनमें आत्मा नहीं है क्या? अज्ञान से जग गए। हाँ, उनको जब ज्ञान मिलता है तो जैसे विजय माला है वो कन्याओं की माला है या भाइयों की माला है? कन्या माताओं की माला है। तो वो ज्ञान देने के बाद वो जल्दी जग जाती है या रुद्र माला के जो भाई भाई माने जाते हैं आपस में वो जल्दी जगते हैं? विजय माला वाले जल्दी जग जाते हैं। ऐसे ही कन्या माताओं सबका हिसाब है, जो 2-4 थोड़ी इक्का दुक्का सुपन खाए पूतनाए हैं उनको छोड़ दो। बाकी जो भी कन्या माता हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान जल्दी प्रैक्टिकल धारणा में आ जाता है, उनकी उनके उनका लगाव जो है वो हट जाता है विकारों से। बाप
बाबा हम लोग तो भी पहले जन्म में पुरुष बन के रहे होंगे ना, रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनके संस्कार जो है वो उनके मुकाबले, राजाओं के मुकाबले उतने विकारी नहीं रहे होंगे। जैसे 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 मान लो एक उदाहरण दे, विजयमाला की हेड है, विजयमाला की जो हेड है वो जब द्वापर कलयुग में आकर के रानी बनेगी तो जो भी छोटी छोटी रानियां हैं उनकी पालना साक्षी भाव से करेगी या ईर्ष्या देश होगा सबके साथ, क्यों करेगी? तो उसको तो रानी है, बड़ी रानी है, उसको तो ईर्ष्या देश आना चाहिए, ये नई रानी आई है, ये ज्यादा सुंदर है, इसके साथ ज्यादा प्यार होता है, ऐसे ऐसे भाव क्यों नहीं आना चाहिए उसे? क्योंकि उसकी विकारों में लागत है ही नहीं। क्या वो जन्म जन्मांतर की निर्विकारी रूप से रहने वाली आत्मा है? जैसा जिस बात में पति को सुख हो उसी में हमको सुख है, उसकी अपनी कोई लागत नहीं है। तो जिसकी विकारों में लागत ही नहीं है उसको दूसरों से ईर्ष्या द्वेष आएगा नहीं आएगा? तो जैसे उसके लिए वैसे ही सब कन्या माताओं के लिए लागू कर दो, है नंबर बार सब। क्या है जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें 8,000 रुद्रमाला के जो मणके हैं वो काला खून बहाने वाले, और जो विजयमाला के मणके हैं वो सब गोरा खून बहाने वाले। वो कितना भी करें फिर भी कुछ न कुछ विकृत संकल्प हो ही जाएंगे। और बाबा ये कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा तो अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, बता रहे हैं। हाँ जी, बताया जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। हाँ, और उसके पहले ही 4,500,000 का पढ़ाई पूरा हो जाएगी क्या? ये तो आत्मा तो 4,500,000 के बाद में आने वाला बताया। हाँ, तो उसके पहले कृष्ण का जो पढ़ाई है उसके पहले ही सबका पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो नई दुनिया स्थापन होगी वो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से स्थापन होगी या दूसरे वंश वालों से स्थापन होगी? सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो कृष्ण की आत्मा किस वंश से कनेक्टेड है? चंद्रवंश से कनेक्टेड है। कृष्ण की आत्मा माने दादा लिख रहा है, वो किस वंश से कनेक्टेड है? चंद्रवंश से कनेक्टेड। तो जो सूर्यवंशी तो पहले सुधर जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन चंद्रवंश की जो आत्माएं हैं वो भी तो पहले सुधरेंगी, सूर्यवंश के बाद उनका तो नंबर लगेगा। उनमें मुखिया कौन? कृष्ण। तो वो जो मुखिया आत्मा है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, और सूर्यवंशी तो कन्वर्ट होते ही हैं जल्दी, तो दोनों मिलाकर के काम पूरा हो गया स्वर्ग की स्थापना का। फिर उसके बाद बाद बाकी जो उनका काम बाद में चलता रहेगा। नहीं समझ में जाने की जल्दी है? बाबा ये क्लास ट्रांसफर की बात है, क्लास ट्रांसफर जो होता है तो बेसिक से एडवांस में आ गए, एडवांस से भी फिर क्लास ट्रांसफर होने की चांसेस है? क्यों, एडवांस वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं वो विजयमाला में ऐड नहीं होंगे? विजयमाला में ऐड होंगे तो क्लास ट्रांसफर नहीं हुआ, होंगे कि नहीं होंगे? होगा, तो फिर क्लास ट्रांसफर होगा। वैसे और एक बार ही क्लास ट्रांसफर होता है, और दोबारा दो तीन बार है। एक होता विद्यालय, एक होता महाविद्यालय, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्कूल होता ही नहीं प्रैक्टिकल में, है? होता है। बस ऐसे ही है, महाविद्यालय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं फिर बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे।
रुद्र रुद्र जो ये जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है उसमें प्रैक्टिकल करने वाली कौन है? नहीं नहीं, जो एडवांस पार्टी है उसमें तीन तरह के मड़के हैं ना, एक है प्लानिंग पार्टी, एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी और एक है प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी कौन है? जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है, विष्णु वाला। विष्णु ट्रांसफर नहीं होना है, जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक नौकरी पकड़ी नहीं मिलेगी। जब तो जब विष्णु आएंगे तब प्रैक्टिकल होंगे, सब ऐसा मुरली उरली नहीं होंगे। प्रैक्टिकल करो, मुरली उरली क्या है, ज्ञान सुनते ही रहो, ज्ञान सुनाते ही रहो, यही सब करते रहो, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सब जीरो। तो सबको विष्णु की माना है जरा ही ऐसे प्रजा पिता ब्रह्मा की मुकुम शैली बने, वैसे विष्णु का भी मुकुम शैली बनना पड़ता है। विष्णु की मुकुम शैली बनना पड़ता है। विष्णु वंशी, विष्णु माने क्या है? विष्णु माने क्या, लक्ष्मी और नारायण दोनों कंबाइंड? ब्रह्मा सो पहला ब्रह्मा कौन सा? प्रजा पिता। कंचन का या बनने वाले हाँ। डिस्ट्रक्शन के बाद ही होगा, कंचन का जन्म कब होगा? अगर कंचन काया डिस्ट्रक्शन के बाद ही बनेगी तो राधा कृष्ण का जन्म कब होगा? एटम बम फटेगा तो फटता रहे। जो पतितों की दुनिया है उसमें एटम बम फटेगा या पावन की दुनिया में एटम बम फटेगा? पतितों की दुनिया में एटम बम फटेंगे, जो पावन दुनिया हो चुकी है उसमें एटम बम थोड़े फटेंगे, असर भी नहीं होगा। तो विकारों से परे है, तामसी प्रकृति से के अन्याम से परे है, तो नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। तो जो स्वर्ग का सैंपल होगा वो नरक की दुनिया के बीच में होगा ना। स्वर्ग में राधा कृष्ण, राधा कृष्ण आत्मा जैसा है वो तो स्वर्ग में रहता है, नर तो बाहर रहे, वो तो नर को देख सकता है। वो नर को देख सकता है जब वो अंदर है, नहीं देख सकता है क्या? हाँ, स्वर्ग में रहने से मालूम नहीं पड़ेगा, वो थोड़ी देखेंगे, नहीं देखेंगे पर मालूम तो होगा ना। नहीं मालूम नहीं होगा, कट लेकिन बाहर दुनिया को देख पाएंगे, बाहर दुनिया को जान पाएंगे, वो भी सब नहीं देख पाएंगे। जानेंगे, जानेंगे सब धर्म वाले जानेंगे कि जन्नत है, बैकुंठ है, क्या बैकुंठ को जानेंगे, जन्नत को जानेंगे, पैराडाइज को जानेंगे, लेकिन अंदर नहीं, वहाँ कोई भी विकारी प्रवेश कर न सके। ये पांडव किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके। बाबा ज्ञान तो दे रहा है ना, ज्ञान स्प्रेड नहीं होता जाएगा। सच खंड का जो ज्ञान है वो दुनिया में स्प्रेड नहीं हो रहा है। झूठ खंड का ज्ञान उन लोगों को नहीं रहेगा जो बैकुंठ में जन्म लेने वाले राधा कृष्ण हैं या जो उनकी पालना करने वाले हैं, उनको उसका भान नहीं रहेगा। पुरानी दुनिया कनेक्शन ही नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो वैद्यों के जो बन जाएंगे संकीर्ण से।
लक्ष्मी नारायण बनने के बाद शिव प्रवेश नहीं है ऐसे बोला आज क्लास में इसमें, लेकिन शिव कहाँ जा रहा है? पता कैसे चलेगा कहाँ जाएगा कि आएगा कि ये जाने आने का पता कैसे चलेगा? नहीं वो संगम 100 साल है ना, संगम 100 साल है ना, 100 साल का है पूरा। लेकिन एक मुरली में तो बोला आग लग कर पूरी होगी, फिर बाप यहाँ क्या करेंगे? विनाश हो जाएगा, स्थापना पूरी हो गई, विनाश पूरा हो गया, फिर बाप यहाँ रह करके क्या करेंगे? चले जाएंगे रहेंगे हैं, काम पूरा हो गया। लेकिन नौ लाख बनने के बाद ही पूरा आग लगेगा बताया ना अभी, क्या लगेगा? पूरा आग लगने के लिए नौ लाख आत्मा सारी तैयार होना चाहिए बताया ना थोड़ा सा, ठीक है? तो नौ लाख बनाने के लिए 2036 हो जाएगा ना पूरा, पूरा संगमिंग हो जाएगा ना पूरा नौ लाख बनाने के लिए, ठीक है? तैयार होने के लिए, ठीक है, होना चाहिए। तो पूरा आग लगने के बाद ही स्थापना का भी पॉइंट पूरा पहुंचे और विनाश का भी पॉइंट पूरा पहुंचे, काम खत्म। अरे यज्ञ जब शुरू हुआ तो एटमिक एनर्जी शुरू हुई कि नहीं हुई? विनाश भी शुरू हुआ प्रैक्टिकल में और स्थापना भी शुरू हुई प्रैक्टिकल में, वो शुरुआत थी और अंत में अति होगी और अंत होगा। ऐसे थोड़े ही के और सन 36 से 1-2-4 वर्ष पहले एटमिक एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, बनाते रहेंगे या बनाना बंद कर देंगे? तो बंद ही रहेंगे, वो विनाश का काम विनाशकारी अलग अपना करते रहेंगे, स्थापना करने वाले स्थापना अपनी अलग करते रहेंगे। बारूद अपनी जगह बढ़ता रहेगा, ज्ञान अपनी जगह बढ़ता रहेगा, प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो कितना साल होगा? हैं प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो कितना साल का होगा? विष्णु कितने साल का है? तीसरी मूर्ति कितने साल की है? अरे पहली मूर्ति दूसरी मूर्ति तीसरी मूर्ति का टाइम बटा हुआ है, कितने कितने साल का है? अरे का है 30-33 साल, तो प्रैक्टिकल भी 30-33 साल। अभी तो बोल तो दिया है तो वाणी में असली सर्विस अफ्रीका वालों ने शुरू की है। असली सर्विस माना एडवांस नॉलेज देने के बाद ही असली सर्विस है? नहीं, जो भी उन तक कुछ ना कुछ तो पहुंचा है, पूरा नहीं पहुंचा है, लेकिन जो भी कुछ पहुंचा है उसको उन्होंने प्रैक्टिकल में लाना शुरू कर दिया। शिव ज्योति बिंदु तीनों मूर्तियों में प्रवेश करता है, तीसरी मूर्ति पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र में सुप्रीम सोल को प्रवेश करने की जरूरत है? सुप्रीम सोल पतित में आता है या पावन में आता है? पतित में आता है तो वो तो पावन है, उसमें आने की क्या दरकार? वो त्रिमूर्ति के चित्र में तीन रेखाएं दिखाई गई हैं, तीन मूर्तियों से ऊपर की तरफ, वो तो स्मृति की रेखाएं हैं क्या? याद का धागा है, स्मृति का धागा है, वो कोई प्रवेशता का धागा नहीं है। बाबा ये वाणी में वर्धन बाबा ने बोला आ गया ऐसा समय आएगा बाबा साकार रूप में आपके सामने हाथ पकड़ेंगी, बुद्धि से नहीं लेकिन
आंखों से आप देखेंगे साकार रूप में हाथ पकड़े। आप अकेले का हाथ पकड़ेंगे, सबका हाथ पकड़ेंगे, यही अर्थ पुस्तक। अरे वो एक के लिए बोला है या बहुतों के लिए बोला है? आपसे पूछ रहे वो बताइए पहले, साकार में हाथ पकड़ेंगे वो एक का ही पकड़ेंगे या बहुतों का पकड़ेंगे? जो एक बाप दूसरा ना कोई वो आत्मा जो होंगे, जो होंगे एक बाप दूसरा ना कोई की स्टेज में उनका पकड़ेंगे, सबका नहीं पकड़ेंगे। तो उसकी कोई यादगार चित्र दिखाया है? अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई यादगार चित्र भी तो बना होगा। कोई यादगार चित्र ही बुद्धि में नहीं आ रहा। अरे माता जी वो यादगार चित्र बताओ कि सबका हाथ पकड़ा नहीं नहीं हाथ पकड़ा कहा, वहां तो एक एक ही उंगली ने उठाया, भगवान की एक उंगली उसने पूरा पहाड़ गऊओं का वर्धन का पहाड़ पूरा उठा लिया। रास लीला, हाँ रास लीला का जो जो चित्र दिखाया है कि सब गोपियों के साथ कृष्ण हाथ पकड़े हुए उस समय की यादगार साकार में अनुभव करेंगे कि बाप हमारा हमारे साथ है, दूर नहीं, वो ही असली ज्ञानी है। राजाई कुल में आने वाले है उनका हाथ बाप पकड़े हुए अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं तो राज परिवार में आएंगे कैसे? और अभी जो बाप का पाठ जैसा है ना कि आकर सब बच्चों से मिल रहा है, ऐसे ही माँ बाप दोनों का साथ साथ आकर बच्चों से मिलना ये बात होगा कि नहीं? कौन से माँ बाप? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। अभी तो अव्यक्तवाणी में तो अभी है जो अष्टदेव हैं उन्हीं में माँ बाप बता दिया, पहले दो को अभी उन्हीं को ही माँ बाप बता दिया। पहले दो सीख उसको अष्टदेव बता दिया वो। हाँ पहले जो दो हैं उन्हीं को ही माँ बाप बता दिया, कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं? कौन संग में? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण माना जगदम्बा जगत पिता नहीं? जगदम्बा भी अष्टदेव में आता है क्या? जगदम्बा कौन से वंश की है? चंद्रवंश की बताया। चंद्रवंश की बताया तो जो देव है वो कौन से वंश के होते हैं? पक्का सूर्यवंशी होते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे? नहीं अभी बताया ना अष्टदेव में आता है। कौन? जगदम्बा। हमने कहा बताया, हम तो ये कहा कि जो अष्टदेव में आने वाले हैं उनमें भी जो दो नंबर पहले हैं उनको माँ बाप बता दिया। माने सूर्यवंशियों में सिर्फ सूर्यवंशियों में माँ बाप के रूप में पाठ बजाने वाले दो, एक तो बाप का पाठ, एक तो बाप का पाठ, दूसरा दूसरा शंकर जी की प्यारी नगरी कौन सी है? काशी। तो दिल्ली अगर कोई चैतन्य रूप है तो काशी चैतन्य रूप नहीं होगा? काशी का अर्थ ही क्या है? याद का तेज धारण करने वाली। योगिनी नाम दिया किसी को? योगिनी बहन का नाम 20 बार लिया है कि नहीं? तो जब नाम लिया है तो काम करने वाली भी कोई होगी। बाबा विजय माला आने के बाद 108 जो मंत्र आते हैं
आने के बाद क्या होगा? एक सौ जो अभी तो आठ हो जाएंगे हैं, अष्ट देवता भी हो जाएंगे जो एक सौ आठ का जो माला है ना, तभी विजय माला आने के बाद तैयार होगा। आने के बाद क्या तैयार होगा? एक सौ आठ, अभी तो आठ हो गए और जो हंड्रेड आठ हो गए, आठ रुद्रमाला की तैयार हो गए न कि विजय माला की बन गए? तो वो आठ अभी बने भी नहीं है, अभी तो कहा है कि टू लेट का बोर्ड लगा है, अभी अभी नहीं नहीं अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी भी कोई पुरुषार्थ करके आठ की लिस्ट में आ सकते हैं, माने दो ही प्रत्यक्ष हुए हैं अभी, और जल्दी जल्दी बाकी जो छः बचे हुए हैं वो भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। काम होगा, दूसरा नहीं बताया। हाँ, दूसरा नहीं बताया, सिर्फ काशी बता के छोड़ दिया, साथी बता के छोड़ दिया, काशी काशी बता कर छोड़ दिया। तो अव्यक्तवाणी देखो, उसका क्लेरिफिकेशन देखो। अभी तो उसके बाद दूसरी वाणी और निकल पड़ी अव्यक्तवाणी, उसमें सोलह सोलह तारीख की बोला है कि जयपुर से तीन, जयपुर से है, और जोधपुर से दो और निकले। नंबर पांच प्रत्यक्ष होने वाले जयपुर है, जयपुर से तीन। हाँ। जो जयपुर से तीन माने वो दो के साथ एक और जुड़ गया, वो जीत की स्टेज में है, फैसला कर लिया, बाकी दो और जो है पांच में से दो वो अभी जोधपुर में युद्ध की स्टेज में। तो सारा एक बात ही अव्यक्तवाणी के द्वारा ही प्रत्यक्ष हो सकता है, और कौन करेगा? बाकी बच्चे 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 हैं वो सारे को समझेंगे, जो देवात्मा है जो देवता है होंगे वो इशारे से समझेंगे, देवता नहीं होंगे तो इशारे से नहीं समझेंगे। बाबा तो प्रत्यक्ष करने वाला बाप होना चाहिए, बाप बाप दादा इशारे दे नहीं, बाप दादा कागज पर लिख करके नाम नहीं बता देंगे, बोर्ड पर लिख करके नहीं बता देंगे, बाप दादा के सिर्फ इशारे हैं, उन्हें इशारों के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके जो समझने वाले होंगे वो समझेंगे। जो रुद्रमाला में नंबर दे दिए जाएंगे एक के बाद एक, तो बारह बारह आत्मा है ना हर एक ग्रुप से, तो उनमें पहले ग्रुप से बारह उसके बाद दूसरे ग्रुप के बारह आएंगे या क्यों नहीं आएंगे? कि पहले ग्रुप का पहला नंबर और दूसरा ग्रुप हर ग्रुप का पहला नंबर उसके ऐसे नंबर आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। हाँ। सूर्यवंशी पहले प्रत्यक्ष होंगे कि वो चंद्रवंशी इस्लामवंशी पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हर ग्रुप के बाद एक एक ग्रुप के बाद प्रत्यक्ष होंगे। माना है तुम्हारा मतलब यह है कि इस्लाम वंशियों का जो बारह का ग्रुप है, चंद्रवंशियों का जो बारह का ग्रुप है, या क्रिश्चियन वंशियों का जो बारह का ग्रुप है, या बौद्ध वंशियों का जो बारह का ग्रुप है, उन सब में से एक एक नहीं नहीं उन सब में से पहला पहला नंबर वो सूर्यवंशियों के पहले नंबर के साथ प्रत्यक्ष होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो सूर्यवंशियों का पहला पहला नंबर तो संचेतर से ही प्रत्यक्ष हो रहा है, सूर्यवंशियों का जो पहला नंबर है वो तो सन 76 से ही प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के या जो दूसरे दूसरे जो ग्रुप है उनका पहला नंबर प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ। तो जब ये कोई नियम थोड़ा ही है कि हर ग्रुप का पहला नंबर साथ ही साथ प्रत्यक्ष होगा, वो कोई कोई बाप समान की स्टेज वाले है क्या? तो फिर जगदम्बा को लास्ट मन का क्यों बता दिया? मन के नंबर में रुद्रमाला में हाँ ओरिजिनल रूप में कौन कौन से धर्म के बीज हैं? पहले नौ धर्म के बीज, पहले नौ धर्म के बीज वो तो है। हाँ। लेकिन जैसे कि बेसिक नॉलेज सब जब शुरू हुई है कि आदि में तो बेसिक नॉलेज का जब ज्ञान जब देना शुरू किया तो उस समय सूर्यवंशी तो पहले ही अलग हो गए,
और बाकी चंद्रमा और उसको फॉलो करने वाले रह गए, उसमें किनका किनका नाम था, कौन कौन से ग्रुप का नाम था? चंद्रमा और चंद्रमा को फॉलो करने वाले, फॉलो चंद्रमा को फॉलो करने वालों में कौन कौन से ग्रुप वाले शामिल थे? सारे ही शामिल थे, सूर्यवंशी को छोड़ करके। ऐसे ही एडवांस में भी, एडवांस में भी सूर्यवंशी जो है वो पहले ही अलग होते हैं क्या, और बाकी बाकी सब मांगाली के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जगदम्बा के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो दो ग्रुप हो गए ना मुख्य, एक सूर्यवंशियों का ग्रुप और एक चंद्रवंशियों का ग्रुप, दो ही ग्रुप हुए ना रुद्रमाला में, दो हिस्से हो गए माला के मुख्य, पहले ग्रुप और बाकी सारा। हाँ, तो जो दो हिस्से हो गए उनमें सूर्यवंशी ग्रुप और चंद्रवंशी ग्रुप दो ही मुख्य हुए ना। चंद्रवंशी ग्रुप में सारे ग्रुप जाके इकट्ठे हो जाते हैं और सूर्यवंशी में सिर्फ सूर्यवंशी ही पहले अकेले, सारी दुनिया एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ। तो दो ग्रुप मुख्य हो गए, दोनों ग्रुप को मिला करके फिर माला बनती है। तो जो रुद्रमाला बनेगी उस रुद्रमाला में पहले ग्रुप का मुखिया तो क्लियर है या नहीं है? वो क्लियर है। फिर दूसरे ग्रुप का मुखिया कौन हुआ? प्रैक्टिकल में हुआ कि नहीं? तो पहला नंबर कौन है और लास्ट नंबर कौन है? तो बच्चे, बच्चे जो है उनका तो ये स्वभाव होता है कि वो माँ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर बना देते हैं। यज्ञ में भी पहले आठ फेल किसका हुआ? बिछनी जो होती है जब बच्चे पैदा करती है तो उसका पेट फाड़ देते हैं बच्चे, सब चंद्रवंश से लेकर के और ये जो भी वंश हैं वो सारे आसुरी संप्रदाय है। उन आसुरी संप्रदाय की अम्मा बनती है जगदम्बा, जगदम्बा से महाकाली बनती है, महाकाली रूप धारण करके फिर उन सबका संहार कर देती है, फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। रुद्रमाला में लास्ट मण का कौन है? जगदम्बा। और पहला मण का जगत पिता। तो जो लास्ट मण का है अभी तक बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, हाँ? क्या पूछा था अभी? कैसे लास्ट नंबर बता दिया उसको जगदम्बा को? एक दस उंगलियां है ना, दस उंगलियों में गोवर्धन पहाड़ कौन सी उंगली से उठाया गया? इस उंगली से उठाया गया, उठाया गया ना। तो सबसे छोटी है, सबसे कम पावर वाली है, सबसे ज्यादा पावर वाली है? सबसे कम पावर वाली। माने ये बताया कि रुद्रमाला में भी जो सबसे कमजोर मणका है, दूसरों के प्रभाव में आने वाला, जिसने जो सुनाया सतवचन महाराज, उसने जो सुनाया सतवचन महाराज, भगवान की लानी कर दी, हाँ ये बात है। तो असर जिसके ऊपर दूसरों के सुनाए हुए का, दिखाए हुए का असर बैठ जाए वो उसकी प्रजा कही जाती है या राजा कहा जाता है? जो प्रभावित हो जाए सो प्रजा। तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्रभावित होने वाला कौन बना? माँ सबसे ज्यादा प्रभावित होती। दिल्ली जो है, एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसके ऊपर सब ने राज्य किया है। तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है, इसलिए बोला है दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा कमजोर कौन बन गया?
अभी सबसे ज्यादा अराजकता अगर देखने में आ रही है हिंदुस्तान में, तो कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा अराजकता है? संसद भवन में बैठ करके कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं, जूताबाजी होती है, देखो राज्य है। पार्लियामेंट में सभी राष्ट्रों से आके इकट्ठे होके वहां बैठे हैं ना, फिर प्रजातंत्र राज्य है ना, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है ना, प्रजा माने बच्चे, बच्चों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया, राजा का राज्य क्या? दिल्ली तो सब धर्मों की, सब देशों की, सब शहरों की माँ है। दिल्ली परिस्थान बनती है तो सारी दुनिया परिस्थान बनती है, दिल्ली कब्रिस्तान बनती है तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती है। सेवा की शुरुआत भी दिल्ली से होती है, डिस सर्विस की शुरुआत भी दिल्ली से होती है, मेले मलाखड़े भी कहाँ से शुरू होते हैं? दिल्ली से मेले मलाखड़े शुरू होते हैं। अभी मेले मलाखड़ों का बड़ा रूप हो गया, अभी जो लास्ट प्रोग्राम हुआ, इसलिए आप बागदादा ने भी बोल दिया कि दिल्ली को सब फॉलो करेंगे। अब इसी तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम सब जोन वाले बनाएंगे। तो वैसे प्रोग्राम बनाना गलत है, जब मेले मलाखड़े करना गलत है, सच्चा गलत है, जब उसको पता है तो बाप दादा वैसे क्यों बताता है? बाप दादा मानते हैं, बाप दादा गला ही घोट दिया, बाप दादा का हार्ट ही फेल कर दिया, तो बाप दादा बेवकूफ है क्या? बताता है कि सब जोन वाला ऐसे इनको फॉलो करेंगे दिल्ली को, वैसे क्यों बताता है? बाप दादा वहां जाके क्यों ऐसे बताता है कि सब जोन वाला इनको फॉलो करेंगे? दिल्ली का हिसाब है ऐसा, दिल्ली जो कदम बढ़ाएगी सारे धर्म वाले उसको फॉलो करेंगे, वो तो आई जगदम्बा। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो माँ को पक्ष लेते हैं या बाप का पक्ष लेते हैं? माँ का पक्ष लेते हैं। जिन बच्चों में अपनी कमजोरी भरी हुई होती है वो माँ की गोद में ज्यादा पालना लेना चाहते हैं या बाप की रहवरी में रहना चाहते हैं? कमजोरी भरी हुई है खुद के अंदर, तो माँ को कमजोर देखा भले उसी के ऊपर चढ़ गए, उसी को कंट्रोल कर लिया, बाप तो मानेगा नहीं हमारी बात, माँ को भुलिया ले, माँ आसानी से मान जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 300-400 यज्ञ के आदमी भी निकले, कितने सरेंडर हुए? 700 नहीं, 300-400, और अभी भी 300-400 ही है, 450। ये संख्या 70 साल में बढ़ क्यों नहीं पाई, क्यों नहीं बढ़ पा रही है? 70 साल पूरे हो गए तो कम से कम 10,000 निकलने चाहिए कि नहीं? 10,000 की जगह वो 450 निकले सर। कहाँ सर हैं? कहाँ सर अभी सर बताया ना कि 450 एडवांस में भी 450 सरेंडर हुए और बेसिक में भी 300-400 ही सरेंडर हुए थे, उससे ज्यादा तो नहीं हुए। एडवांस तो शुरू अभी हुआ है, 76 के बाद ही हुआ ना, इसलिए ऐसे हुआ, इसलिए ऐसे हुआ। और वो नहीं, वो उसको नहीं हुआ 3740 साल, बेसिक को 40 साल नहीं हुए, बेसिक को 40 साल हुए तो भी 300-400 ब्रह्मा के रहते रहते सरेंडर हो पाए? संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि उस गोवर्धन पहाड़ को जो धारण करने वाली उंगली है वो तैयार ही नहीं हुई, वो असुरों के पंजे में, रावण के पंजे में। तो अभी तिरुपति में कैसे चला है ना, बाटा राव का कैसे में? हाँ।
बताइए, चेन्नई का कनेक्शन दिल्ली से है, मतलब चेन्नई जगह है तो दिल्ली में राजधानी बने, तो क्या है? जो एरोप्लेन है ना, एरोड्रम वगैरह, वहाँ वो जो ओ चेन्नई है, उसको चेन्नई नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं माँ। क्या हाँ, अभी तक वहाँ की राजधानी का नाम था मद्रास। क्या मड में रास करने वाली, कीचड़ में रास करने वाली मड रास, अभी उसका नाम बदल दिया। क्या चेत नहीं, चेत माने अच्छा होता, अच्छा होता क्या होता नहीं हो जाए। वो पुराना रूप है। क्या मद्रास है पुराना रूप, तामसी रूप, और चेन्नई है नया रूप। चेन्नई रहेंगे बाबा? चेन्नई रहेंगे क्या? वो ही बताया ना, बंगलोर भी बन गया के जब दुनिया का विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो पापात्मा कौन हुए, पुण्यात्मा कौन हुए? रुद्रमाला के मणके में दो ही वंश हैं, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। कौन रहेंगे और कौन खलास हो जाएंगे? कौन सा वंश नष्ट हो खत्म हो जाएगा, नाम निशान खत्म हो जाएगा, और कौन सा वंश रहेगा? सूर्यवंश रहेगा और बाकी सबका नाम निशान खलास। जैसे इस्लाम वंशी नहीं रहेंगे, बौद्ध वंशी नहीं रहेंगे, क्रिश्चियन वंशी नहीं रहेंगे, वैसे चंद्रवंशी भी नहीं रहेंगे। क्या चंद्रवंश रहेगा? रहेगा वो ही जो अपने को मर्ज कर देगा। है बैंगलोर का नाम बदल गया, बैंगलोर क्या बैंगलोर का नाम भी बदल गया, जैसा चेन्नई मद्रास से चेन्नई हुआ, हाँ बैंगलोर का नाम बैंगलोर बदल गया, बैंगलुरु बैंगलुरु। पहले बेंदगार है, पहले बेंदगार अभी बैंगलोर हुआ, बैंगलुरु अभी बैंगलोर हुआ, पहले बेंदगार बेंदगार बॉम्बे का भी नाम बदल दिया है, बॉम्बे का भी नाम बदल दिया, हम बॉम्बे पढ़ते हैं, उसके बारे में भी बदल दिया, मुंबई बदल दिया, मुंबई हाँ मुंबई, मुंबा देवी के नाम कलकत्ता भी चेंज, कलकत्ता भी कलकत्ता बन गया, सारे नाम बदलते जा रहे हैं, कोलकाता हो गया, लेकिन दिल्ली का नाम नहीं बदल रहा है, दिल्ली का नाम नहीं बदल रहा, दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ हो जाता है, सारे नाम बदल रहे अच्छा। और कहते हैं धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया, तो नाम क्या रखा? इंद्रप्रस्थ। पांडव का किला अभी भी बना हुआ है। अब्बल नंबर का गायन होता है या सबका गायन होता है? तो अब्बल नंबर एक ही होगा या सब होंगे? हाँ, एक होगा 100% पार्वती पार लगाने वाले, और बाकी होंगे नंबर वाले, तो कुछ बुड़ने डुबोने वाले भी होंगे कि नहीं? परसेंटेज एक है 100% और बाकी सब है परसेंटेज में, तो एक तो पार लगाने वाली 100%
और बाकी हुए पार लगाने वाले परसेंटेज में। तो अगर कोई 99% पार लगाने वाला है तो डूबने वाला कितना हुआ? 99% पार लगाने वाला, तो 1% डूबने वाला हो गया। तो भी तो डूबने वाला है कि लिस्ट में तो नंबर आ गया। विचारी बनने वाले की लिस्ट में नंबर तो आ गया। दक्षिण भारत से सर तमिलनाडु, इधर से अष्टरथ निकलेगा, अष्टदेव निकलेगा, या नवग्रह से निकलेगा? दक्षिण भारत से क्या निकलेगा? दक्षिण भारत कोई स्थूल बात है? दक्षिण भारत की क्या? दक्षिण भारत है भारत का विदेश, ये बोला ना। तो कोई स्थूल बात है या सूक्ष्म बात है? जब बावन बोला राजस्थान, तो राजस्थान सूक्ष्म बात बोली या सिर्फ राजस्थानी स्थान के लिए बोला? सूक्ष्म, जैसे बोला गुजरात, तो सिर्फ गुजरात वालों के लिए बोला या कोई बृहद के अर्थ में गुजरात बोला? तो ऐसे यहाँ दक्षिण भारत लिए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सब क्या है? विदेशी। विजय माला सारी स्वदेशी। जब दक्षिण भारत भारत का विदेश जब कहा जाता है तो जिनमें ज्यादा देह अभिमान है वो समझ लेते हैं कि हम विदेशी हैं। आत्मा विदेशी होती है या देह विदेशी होती है? स्वदेशी, देह स्वदेशी विदेशी होती है, आत्मा तो स्वदेशी विदेशी नहीं होती। देह अभिमान भरा हुआ है तो अपने को विदेशी समझ लेते हैं। अगर आत्मा अभिमानी है तो दक्षिण भारत में पैदा होते हुए भी अपने को समझ सकते हैं हमारा ये लास्ट जन्म किसी तरह हम अलग दूर हो गए, कोई ऐसा हिसाब किताब बन गया। हर जन्म में हम थोड़े ही दक्षिण भारत वाले, कोई जरूरी है कि हर जन्म में हमने दक्षिण भारत में ही जन्म लिया? जरूरी है? ये तो कोई जरूरी नहीं। और वो 12 राशियां जो होते हैं ना, हाँ जी, वो ये जो वो सारी दुनिया में फैली हुई है। हाँ, रुद्रमाला में कौन सा ग्रुप का होगा? हर ग्रुप में 12 राशियां, हर ग्रुप में माने सारी दुनिया के लोग 12 राशियों में बटे हुए हैं, हर धर्म के लोग 12 राशियों में बटे हुए हैं। ये राशि ये कौन कौन है, नाम दिया जाता है, बारे कौन है? बारे कौन है? तो भारत तो जो हर धर्म में 12 के ग्रुप मुखिया है वही है बारे। अपने ग्रुप का वो मुखिया है क्या? है? अपने ग्रुप का वो मुखिया है? अपने ग्रुप के वो मुखिया है जो बारे हर ग्रुप का 12 राशियां बताए। वो अपने 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 धर्म में मुखिया तो है। जब कोर्स दिया जाता है उस समय बताते हैं कि जो 12 राशियां हैं वो ये कहता है कि 12 राजाओं के नाम पर दिया जाता है। 12 राशियां बताया कोर्स के देने समय बताना है। तो सच है कि जो 12 राजाएं हैं वो 12 राशियां हैं ऐसे बताया। त्रेता युग के जो 12 राजाएं हैं उनमें 9 राजा, 9 तो वही राजाएं हैं जो सतयुग में राजाएं बनते हैं, जो नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम बनते हैं। बाकी जो 3 और रह गए वो कहाँ चले जाएंगे? 9 के अलावा 3 गद्दियां और भी तो चलती हैं, उनमें नारायण तो होंगे नहीं, फिर कौन होंगे? है कोई होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कौन होंगे? ना जो बीज यहाँ का जो अष्टदेव, तो जो सबसे ऊंचा राज्य है अष्टदेव,
अष्टदेव जो है जो दुनिया का सबसे ऊंचा राज्य है, विश्व का राज्य भाग, उसमें कंट्रोल पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर त्रेता के पहले जन्म में वो साथ रहते हैं राम वाली आत्मा के साथ, तो हर जन्म में थोड़े वो ऊंचे बने रहेंगे। पहले जन्म में ऊंचे, पहले जन्म में भी ऊंचे हैं, सत्यु के आदि जन्म में, त्रेता के आदि जन्म में भी ऊंचे हैं, राज्याधिकारी हैं, तो हर जन्म में तो ऊंचे नहीं होंगे। बाकी जो लास्ट तीन गतियां बची उसमें कौन है मुख्य, जो बाप को प्रत्यक्ष करने में मदद देते हैं, वो अतः बताएं। लास्ट में जो तीन होते हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करने में मदद देते हैं, जिसने मदद दिया उन्होंने राज्य करेंगे वहां बताया है। फिर विरोध हो जाए, जो विरोध ज्यादा करते हैं कि मदद ज्यादा करते हैं, विरोध ज्यादा करते हैं। शुरुआत में प्रत्यक्ष किया, विरोध शुरुआत में प्रत्यक्ष किया, पूरा प्रत्यक्ष किया या थोड़ा प्रत्यक्ष किया, थोड़ा सा प्रत्यक्ष किया, थोड़ा प्रत्यक्ष किया, और फिर विरोध जास्ती किया, अप्रत्यक्ष जास्ती किया, तो उनको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, उनको भी थोड़ा हिस्सा, ताज पतलून जो है अंतिम जन्म में मिलना चाहिए। तो जो विनाशी युग है, विनाशी पीढ़ियां हैं, उनमें उनको राजा मिल जाती है, माने वो स्वर्ग का विनाश करने के निमित्त बन जाती है राजनिया। तो उनको राशि नहीं कहना, वो कहना करेक्ट है, कहना करेक्ट है कि नहीं, वो भी राशि है। ओहो राशि राशि नहीं है, है? वो किसी के साथ राशि नहीं मिलाते हैं, आपस में राशि मिलाते हैं कि नहीं, उनकी आपस में भी तो राशि मिलती है। जब मजबूर हो जाते हैं तो सत्यु के आदि में वो दास दासी बन के रहते हैं, चित्र भी दिखाते हैं यादगार, कौन सा चित्र है, राम का जो पट्टाभिषेक है, राज्य राज्याभिषेक है, उसमें लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को दास दासी के रूप में दिखाया है, कोई चमड़ डुला रहा है, कोई पांव पखार रहा है, कोई छतरी लेके खड़ा हुआ है, यहाँ जो विरोध करते हैं उनको दास दासी बनना पड़ता है। बस हो गया, हाँ अभी है जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं बाप के साथ, जैसे अपनी कन्या अर्पण कर दी है, अंदर से भाव है कि हमने भगवान को अपनी कन्या दे दी, दामाद बना दिया, ये बात दूसरों से नहीं कह सकते, दुनिया वालों को बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो गुप्त संबंध जोड़ा ना, इन्होंने भी जाना, इनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये बात समझ ली कि हमारी बहन जो है वो हमने भगवान को दी, तो गुप्त संबंध रहा ना। अब वो बच्चे जो है वो दुनिया वालों को बताते थोड़े फिर रहे हैं कि ये संबंध ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये निशानी नहीं है। जिन्होंने भी गुप्त संबंध जोड़ा बाप के साथ वो हुए गोप और गोपी, गोपों में भी उनकी गिनती है, भाइयों की भी गिनती है और अन्य माताओं की भी गिनती है। हाँ सरेंडर कर दिया, सरेंडर होंगे माने 16,108 फुल सरेंडर होंगे या बाहर के होते हैं, मधुबन के अंदर से पैदा होते हैं, अंदर वाले मधुबन वाले बाहर वाले, चंद्रवंशी भी होंगे, सूर्यवंशी भी होंगे, रुद्रमाला से भी होंगे सरल होने वाले, और वैसी नारी से भी सरल होने वाले, तो अव्यक्तवाणी में 2-3 साल पहले बोल भी दिया है। ये पहला कोई समर्पण समारोह नहीं समझना, अभी आगे चल करके दोबारा समर्पण समारोह भी बनावेंगे,
ये तो हुआ बेसिक नॉलेज में, बिना समझे बिना जाने भक्ति मार्ग का समर्पण समारोह, क्योंकि जिसके प्रति समर्पण किया वो तो है ही नहीं मौजूद, आगे होगा असली समर्पण समारोह। नहीं, जो घर छोड़ के अंदर सरेंडर हो, बेसिक में भी सब घर छोड़ करके आए हैं अंदर, एडवांस में भी सब घर छोड़ करके आए तो सब सरेंडर हो गए। घर छोड़, घर तो छोड़ना ही पड़ता है। ये सरेंडर तो बुद्धि का सरेंडर होगा, ये सरेंडर जो बताया ना वो बुद्धि का सरेंडर होगा कि साकार में भी सरेंडर होना चाहिए। असली सरेंडर जो है तन से भी होगा, मुरली बोला तन भी पूरा अर्पण करना पड़ेगा। क्या अभी अंत में, कभी भी अंत में करेंगे तो अंतिम नंबर मणका बनेगा 16,000 का, पहले करेंगे तो पहला नंबर मणका बनेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। खुद सोच सोच के करेंगे तो बाप भी सोच सोच के नंबर देंगे। पुरुषार्थ करते हैं तो सरेंडर होने का ही पुरुषार्थ करते हैं कि हम भगवान के बन के रहे, हमारा तन मन धन सब बाप का हो जाए, यही तो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते क्या है, हमारा जो भी तन है, हमारे तन के संबंधी है, जो भी हमारा धन है, पाई पैसा है, जो भी हमारे मन के संकल्प है, वो सब भगवान के लिए अर्पण हो जाए, यही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बस हो गया ना।